तो आईपीएल 2022 का सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां पर अब हर टीम की कोशिश है कि लीग के बचे मैचों में वो शानदार प्रदर्शन करके आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए। जहां पर चार टीमों की हम बात करने वाले हैं, जहां पर आईपीएल की अब तक की सबसे सफल टीमों में एक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग पहले ही इस पूरे मुकाबले से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस बार दो टीमों की जगह पक्की हो चुकी है, लेकिन बाकी की दो टीमों के लिए चार टीमों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में आखिर आईपीएल 2022 की वो कौन सी चार टीमें होने वाली हैं जो कि इस बार की प्लेऑफ में सबसे आगे होने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 15वां सीजन अब अपने सबसे रोमांचक चरम पर पहुंच चुका है। यहां से ज्यादा टीमें प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपने हर मुकाबले में 100% देने के लिए उतरेगी। लीग स्टेज के सिर्फ कुछ मुकाबले बचे हुए हैं जो कि प्लेऑफ की स्थिति को तय करेंगे। आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों का सफर जारी सीजन में खत्म हो चुका है। मुंबई इंडियंस की टीम 8 और चेन्नई सुपर किंग 8 में से 7 मुकाबले हारकर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन शेष 8 टीमों के बीच प्लेऑफ की जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे लीग स्टेज में मैच कम हो रहे हैं, टीमों के बीच टॉप 4 में जगह बनाने को लेकर काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्लेऑफ का पूरा समीकरण क्या है, कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं और किन्हें बाहर होना पड़ सकता है। आईपीएल की दो नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रदर्शन ने सभी को हैरान किया है। दोनों ही टीमों के ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत वह जारी सीजन में पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद है। गुजरात टाइटंस 10 में से सिर्फ 2 मैच हारे हैं और 16 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। लखनऊ ने सिर्फ 3 मैच हारे हैं, गुजरात के सीजन में लगातार मैच जीते हैं। लखनऊ का भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रहा है। ये दोनों टीमें आगे मैच जीतकर प्ले ऑफ में पहुंचने वाली सबसे पहले की दो टीमें हो जाएंगी। सुपर जायंट्स की लीग चरण में मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलना है। वैसे तो ये सभी टीमें काफ़ी मजबूत है, लेकिन गुजरात सिर्फ 1 मैच भी जीत लेती है तो प्लेऑफ में उसकी जगह पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगी। लखनऊ को जीतने होंगे 2 मैच। गुजरात की तरह लखनऊ ने 10 गेम खेले हैं, लेकिन लखनऊ के 10 मैचों में 14 अंक हैं। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अगले 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। 10 टीमों के आईपीएल प्लेऑफ में आगे बढ़ने के लिए 16 अंक पर्याप्त होंगे, लेकिन इस सीजन में दो नई टीमों से जुड़ने से नेट रन रेट और भी दिलचस्प आने से अब गेम बन गया है। राजस्थान रॉयल और आरसीबी की टीम 12-12 अंकों के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। आरसीबी अपने बाकी के 3 मैच जीतती है तो है 18 अंकों के साथ। वहीं राजस्थान के सभी 4 मुकाबले खेलने हैं, अगर टीम सभी मुकाबले जीतती है तो वह प्लेऑफ में पहुंचने की हकदार होगी। राजस्थान रॉयल का नेट रन रेट बेंगलोर से बेहतर है। अंक तालिका में टॉप 4 के बाद सनराइजर हैदराबाद 10, तो पंजाब किंग्स 10, दिल्ली कैपिटल 10 और कोलकाता के 8 अंक है। ये सभी टीमें 10 मुकाबले खेल चुकी हैं, ऐसे में 4 टीमें भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आएंगी। कोलकाता के लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं, क्योंकि टीम अगर अपने बचे 4 मैच जीत लेती है तो भी उसके 16 अंक ही होंगे, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर वह बिछड़ जाएगी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग भले ही जारी सीजन में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन टीमों ने बाकी के बचे मैच में अपनी रेस को जारी रखना होगा, क्योंकि ये दोनों अपने बाकी के बचे मैचों को जीतकर अंक तालिका में ऊपर आना चाहेगी। चेन्नई को 4 तो मुंबई को भी 5 मुकाबले खेलने। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि अंतिम की वो 4 कौन सी टीमें होने वाली है जो कि इस बार प्लेऑफ में होंगी, साथ ही ये बताएं कि इस बार के सीजन का कौन होने वाला है चैंपियन, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।